देश में जल संरक्षण और खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए कई सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के संसाधन और सिंचाई यंत्र उपलब्ध करवाने एवं सतही जल भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों और नहरों का निर्माण भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। जिला बिलासपुर के रेशम उत्पादन केंद्र कुमार रवि के तहत रेशम उत्पादन केंद्र नालगड़ा में अरंडी के कीट से रेशम तैयार करने का ट्रायल सफल रहने के बाद अब विभाग किसानों को अरंडी के बीज मई महीने के अंत में मुफ्त देने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने 50 कोंस बीज तमिलनाडु से मंगवाया है ताकि प्रदेशों में भी अरंडी के बीज से उत्पादित पत्तों को खाने वाले कीट से गर्म रेशम तैयार किया जा सके। आपको बता दें कि उत्पादन शहतूत के पत्तों से कई गुना अधिक है। खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में साल दर साल बढ़ते अंतर को घटाने और महंगाई पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया है और इसी के लिए तिलहन खेती के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें रकबा बढ़ाए बगैर पैदावार में वृद्धि पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि तिलहनी फसलों की उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि कर लगभग 1.5 करोड़ टन तिलहनी फसलों के अतिरिक्त पैदावार की जा सकती है। तिलहनी की आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने राज्यों से इस संबंध में अभियान चलाने का आग्रह किया है। पंजाब में पानी की बचत और भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए कृषि विभाग ने कवायदा शुरू कर दी है। राज्य के प्रभावशाली लोग किसानों को धान की सीधी बिजाई करने के लिए जागरूकता का पाठ पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब में पानी बचाने के लिए विभाग के माध्यम से पहला संदेश पर्यावरण प्रेमी संत बलवीर सिंह सिंचेवाल की ओर से दिया गया है। इस साल राज्य में धान की सीधी बिजाई तकरीबन 25 से 30 मई और पारंपरिक तरीके से बिजाई 15 से 20 जून तक शुरू होने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित प्याज की किस्म HOS 3 अब न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बनाएगी और इसके लिए विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण भारत की एक अग्रणी बीज कंपनी के साथ MOU साइन किया है। मई महीने की पहली तारीख के दिन आम जनता को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। तेल कंपनियों ने LPG गैस के दाम में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ने के बाद अब इस सिलेंडर की कीमत 2355.5 रुपए हो गई है, जो पहले 2253 रुपए हुआ करती थी। सूरजपुर जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जयनगर में धान खरीद और अन्य त्रुटियों में दोषी मानते हुए समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। जारी निलंबन आदेश में उप पंजीयक सूरजपुर द्वारा उल्लेख किया गया कि साल 2021 और 2022 में धान खरीदी संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु BR पेकरा तत्कालीन अपेक्षण अधिकारी को निलंबित किया गया है। तो वहीं देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन अब मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में गर्मी से राहत देने वाली जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो भारत के कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश और धूल भरी आंधी की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।